क्वेश्चन नंबर टू देखिए पेज नंबर 61 पे. व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर व्हिच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर. तो बच्चों जो सल्फर का मॉलिक्यूल होता है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, चेक करो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना होता है, उसी तरीके से सल्फर का जो 1 मॉलिक्यूल होता है वो S8 लिखा जाता है. यानी कि सल्फर का 1 मॉलिक्यूल जो होता है, ठीक है ना, वो सल्फर के 8 एटम से मिलकर बना है. चेक करो, ये सल्फर का 1 मॉलिक्यूल है S8, इसमें सल्फर के 8 एटम्स हैं टोटल, पहले तो ये ध्यान रखिए, ठीक है ना. अब देखिए सल्फर का आपको इलेक्ट्रॉन, सल्फर के मॉलिक्यूल का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है. तो मैं आपको बता दूं ये डब्ल्यू शेप में बनेगा. पहले तो देखिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं कैसे बनेगा. सबसे पहले, इससे पहले एक चीज और, सबसे पहले आपको सल्फर का एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए. व्हाट इज द सल्फर का, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर कितना होता है बताइए, 16. अब 16 अगर एटॉमिक नंबर है तो प्रोटॉन भी, सल्फर के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 16 होंगे और सल्फर में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 16. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, 2, 8, 6. चेक करो 16 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 6. यानी कि सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6. यानी कि सल्फर का अगर एक एटम को हम लोग दिखाएं तो इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे आउटर मोस्ट में, ठीक है. आप ऐसे दो दो के पेयर दिखाओ या कैसे भी दिखाओ, बट आपको यहाँ पे इसके चारों तरफ 6 डॉट लगा के इसको दिखाना है, ठीक है. अब सुनो मेरी बात, इसका देखो बच्चों ट्रिक क्या है. ट्रिक ये है कि पहले आप W बनाओ. क्या बनाओ? W शेप बनाओ. दो W बनाओ, बता रहा हूँ मैं कैसे. देखो ये, देखो ये ऐसे करके आप W शेप बनाओ. W ABCD वाला W जानते हो ना, ये ऐसा. और W के साथ यहाँ पे एक और W बना दो, ठीक है. ये देखिए कुछ इस तरीके से. सभी बच्चे अपनी कॉपी में पहले इस तरीके से बनाएं, ठीक है. तब यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस में कराता हूँ कि किस तरीके से सल्फर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे. ऐसा बना दिया, ठीक है ना. अब देखो करना क्या है, ध्यान से चेक करो. देखो ध्यान चेक करो जरा. देखो यहाँ पे जो सल्फर आएगा, यहाँ पे जो सल्फर आएगा बच्चों, इसको चेक करो. यहाँ पे जो सल्फर आएगा, ठीक, इस सल्फर के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन है. उसमें से आप देखिए 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन यहां रखिए, फिफ्थ को आप यहां पे रखिए और सिक्स्थ को आप यहां पे रखिए. क्योंकि ध्यान से चेक करो, एक सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने. तो दिमाग लगाओ खुद, ये वाला जो सल्फर होगा इसके आउटर मोस्ट में 1, 2, 3, 4 तो है, फिफ्थ ये रहा, सिक्स्थ ये रहा. तो ये जो सल्फर है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं से सामने से शेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से कहीं से सामने से शेयर करेगा, बस नहीं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. तो यहां जहां जहां से W ऐसा मुड़ा हुआ है, ध्यान से चेक करो, ये W बच्चों जहां जहां से मुड़ा हुआ है वहां वहां आपको सल्फर लगाने थे. यहां सल्फर लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, यहां लगाओ, इसी तरीके से नीचे वाले में जहां जहां से मुड़ा रहेगा, ठीक है ना. अब देखो यहां से तो यह बॉन्डिंग हो जाएगी, तो यहां दोबारा सल्फर लगाने की जरूरत नहीं. एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, एक यहां लगेगा, और यहां तो पहले ही लगा हुआ है. इसी चीज को मैं यहां पे आपको करके दिखाता हूं. तो एक सल्फर आपको यहां पे लगाना है, ठीक है ना. अब यहाँ पे एक सल्फर लगाएंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे एक सल्फर लगाया. लेकिन दिमाग लगाइए बच्चों, यहाँ पे जो सल्फर लगाएंगे इसमें हमको 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाने आउटर मोस्ट में, तो कैसे दिखाओगे. देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर दिखा दो, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स को आप यहाँ पे नीचे दिखा दो. 2 + 2 कितने हो गए, 4. अब 2 को आप ऐसा नहीं कि 2 जो बच्चे उसको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड दिखा दिया, नहीं, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन आप इधर राइट में रखिए और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आप लेफ्ट में रखिए. इससे क्या फायदा है, इससे ये फायदा है, ध्यान चेक करो, ये वाला जो सल्फर है, ये वाला सल्फर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये 7th इलेक्ट्रॉन इसने ये वाले सल्फर से शेयर किया, ठीक है ना. और इस सल्फर का भी फायदा हो रहा है, कैसे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7th यहां शेयर करेगा, 8th अभी किसी और से करेगा, ये वाला किसी और से कर लेगा, ठीक है, बात समझ आई कि नहीं. अभी देखिए, अभी इसको प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये देखिए ये 7th शेयर किया यहां से, ठीक है ना. तो अब एक सल्फर आप यहां बना दीजिए ताकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना. इसकी 2 की वैलेंसी, 2 इलेक्ट्रॉन को इसको शेयर करने हैं, ठीक है ना. वैलेंसी क्या होती है, जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम क्या करता है, शेयर करता है. तो ध्यान से करो, एक सल्फर यहां पे भी बनाओ, ठीक है. तो एक सल्फर यहां पे भी बनाओ, यहां पे जहां जहां से W मुड़ा हुआ है वहां वहां सल्फर बनाएंगे. तो यहां पे देखिए जरा, 1, 2, 3, 4, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां रखना है, फिफ्थ, और ये देखिए ये आ गया आपका 6th. बताइए कोई डाउट है, अब इस सल्फर को चेक करो कंप्लीट हो गया. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये देखिए ये 7th और ये देखिए ये रहा 8th. कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है. अब इस पे फोकस करो, ये वाले सल्फर पे फोकस करो. देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 7th है, तो एक सल्फर आपको यहां बनाना चाहिए, यहां पे एक सल्फर बनाइए, ठीक है, ये यहां पे, ठीक. तो यहां पे अगर एक सल्फर हम लोग बनाएंगे तो 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए. फिफ्थ और सिक्स कहां जाएंगे, फिफ्थ जाएगा लेफ्ट में, ठीक है, ये फिफ्थ गया आपका लेफ्ट में,
और ये देखिए ये सिक्स्थ गया आपका कहां राइट में। बताइए कोई डाउट है? इस सल्फर को चेक करिए जरा, 1 2 3 4 5 6 और देखो ये सेवंथ यहां से शेयर किया और ये वाला भी यहां से शेयर करेगा तो इसके 8 कंप्लीट हो जाएंगे। बहरहाल अभी आप इस पे फोकस करो, 1 2 3 देखो 1 2 3 4 5 6 तो इसके पहले से ही थे, सेवंथ यहां से शेयर किया और 8 यहां से शेयर किया। कोई डाउट है बताइए? हाँ ओके। तो स्टूडेंट्स ये वाले सल्फर को देखो 1 2 3 4 5 6 और ये रहा सेवंथ, ठीक है। सिक्स तो इसके खुद के हैं, एक यहां से भी शेयर कर चुका है, सेवन हो गए, एक अभी यहां से शेयर करेगा, तो यहां आपको एक सल्फर बनाना चाहिए, ठीक है ना। यहां पे अगर हमने एक सल्फर बनाया तो देखिए 1 2 3 4 ओके, फिफ्थ को हमको इधर रखना है, ठीक, और सिक्स को हमको इधर रखना है। अब ध्यान से चेक करो, ये वाले सल्फर की वैलेंसी कंप्लीट हो गई दोनों तरफ से, एक इधर से और एक इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 तो इसके खुद के, ये सेवंथ है और ये क्या है 8th है, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? अब ये सल्फर प्रॉब्लम में होगा क्योंकि 1 2 3 4 5 और ये रहा 6 और ये सामने से शेयर किया है तो हो गया सेवंथ, तो एक और करेगा शेयर, तो आपको यहां पे एक सल्फर बनाना पड़ेगा। यहां पे एक सल्फर बनाओगे कैसे? देखो 1 ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे दिखाओगे, ठीक है ना। अब ध्यान से चेक करना बच्चों, 3 यहां दिखा दिया, 4th यहां दिखा दिया। अब ये दो बॉन्ड जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इस बॉन्ड पे देखो यहां एक रखोगे, ये हो गया आपका 5th इलेक्ट्रॉन और ये हो गया आपका 6th इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट है? ये डॉट डॉट लाइन हमने सपोर्ट लेने के लिए बनाई है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में कोवेलेंट बॉन्ड को दिखाएंगी बच्चों, इन्होंने हमसे बॉन्डिंग नहीं पूछी है, लेकिन हम आपको बस ऐसे ही, अगर आप ऐसे बना दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। और एक्चुअल में जब सल्फर के मॉलिक्यूल को देखोगे तो वो डब्ल्यू शेप में ही दिखाई पड़ता है ऐसा ही कुछ, ठीक है। हालांकि 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है, तो वो क्लास 11th में आप देखोगे अच्छी तरीके से, आप गूगल करके आप देख सकते हो, ठीक है। ये तो मैंने प्लेन में बना दिया है, 3D में होता है ये W का, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आगे निकला होता है, ठीक है। बहरहाल अभी हम यहाँ फोकस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और देखिए ये सेवंथ यहां से शेयर करेगा, ये वाला सल्फर ये सेवंथ यहां से शेयर करेगा तो एक यहां से शेयर करेगा, तो एक सल्फर आपको यहां बनाना चाहिए और इसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने आपको। तो देखिए 1 2 3 4 ठीक है, एक इधर, ये हो गया आपका 5th। इसको थोड़ा सा सुंदर बनाओ, साफ साफ इसकी प्रैक्टिस कर लेना जैसे जैसे मैंने बनवाया, वीडियो फिर से देख लेना रिवर्स करके, 1 2 3 4 5 और ये देखो ये हो गया आपका क्या 6th, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6th। यहां से ये वाला शेयर करेगा, ये वाला भी, ये जो सल्फर है ना, ये सल्फर, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी शेयर करेगा, तो चेक करो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7th। तो अब इसकी वैलेंसी डिस्टर्ब है तो एक सल्फर यहां लगाना चाहिए क्योंकि इसकी भी वैलेंसी डिस्टर्ब है, चेक करो 1 2 3 4 5 6 और ये 7th यहां शेयर किया हुआ है, तो एक सल्फर यहां अगर लगा दोगे तो इसको भी सेटिस्फाई कर देगा, इसको भी खुद भी सेटिस्फाई हो जाएगा वो। तो देखो जरा ध्यान से कैसे, तो यहां अगर हम लोग एक सल्फर लगा दें तो 1 2 3 4 ओके, और एक इधर लगेगा बच्चों 5th और एक इधर लगेगा यहां पे। अब चेक कर लो बच्चों, ये सल्फर सेटिस्फाई हो गया, 1 2 3 4 5 6 सेवंथ यहां से शेयर करेगा, 8th यहां से शेयर करेगा, इसको चेक करो ये भी सेटिस्फाई, 1 2 3 4 5 6 सेवंथ यहां से शेयर किया, 8th यहां से शेयर किया, ये भी सेटिस्फाई है, चेक करो 1 2 3 4 5 6 तो इसके खुद के, सेवंथ यहां से शेयर किया, 8th यहां से शेयर किया, तो सभी सल्फर के यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है। कोई डाउट है बताइए? हाँ, तो इस तरीके से हम सल्फर का मॉलिक्यूल का क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब ध्यान से चेक करो, सल्फर के मॉलिक्यूल में सल्फर के 8 एटम थे, आप चेक कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम ही तो है। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए।